Hello dear children, welcome to my maths video class for 9th November 2021. I'm sure children you all are doing good, you all are taking all the precautions and you all are keeping safe and healthy. And at the same time children, I hope that you are watching the videos also on a regular basis, especially children those who are not coming to school. जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं वो तो क्लास में आते हैं, दे अटेंड द क्लासेस एंड सम चिल्ड्रन आर वेरी रेगुलर विथ ऑनलाइन क्लासेस ऑल्सो, बट देर आर सम चिल्ड्रन हु डू नॉट अटेंड द क्लासेस रेगुलरली, बहुत ज़्यादा इरेगुलर हैं. तो चिल्ड्रन आई होप एंड इट इज़ माई सिंसियर एडवाइस टू यू ऑल दैट यू वॉच द वीडियोज रेगुलरली, अटेंड द क्लासेज रेगुलरली. इवन इफ यू आर नॉट कमिंग टू स्कूल, एटलीस्ट अटेंड ऑनलाइन क्लासेज रेगुलरली एंड वॉच ऑल द वीडियोज रेगुलरली एंड कम्प्लीट योर वर्क, बी रेगुलर विथ योर वर्क. अदरवाइज इट इज़ यू ओनली हु इज गोइंग टू सफर इफ यू डू नॉट वॉच द वीडियोज, इफ यू नॉट रेगुलर विथ योर क्लासेज. सो कमिंग बैक टू द क्लास नाउ, we have started with chapter number 9 which is pre number concepts part 2. chapter number 9 पढ़ रहे हैं, pre number concepts part 2. ठीक है, इसमें हमने अभी तक tall and short का concept पढ़ा and long and short का concept पढ़ा. ठीक है, अभी हम wide and narrow पढ़ रहे हैं. टॉल एंड शॉर्ट हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब हमें किसी चीज़ की हाइट बतानी होती है कि कोई चीज़ टॉल है या शॉर्ट है. लॉन्ग एंड शॉर्ट हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब हमें किसी चीज़ की लेंथ बतानी होती है. ठीक है, तो लंबा है या छोटा है. शॉर्ट इज़ यूज विथ टॉल एज वेल एज लॉन्ग. लॉन्ग के साथ जब शॉर्ट यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे हम लेंथ मेजर कर रहे हैं, लंबाई के लिए यूज़ कर रहे हैं, और टॉल के साथ जब शॉर्ट होता है तो वहाँ पे हम शॉर्ट को हाइट के लिए यूज़ करते हैं. नाउ वी हैव स्टार्टेड विथ वाइड एंड नैरो. वाइड का मतलब होता है चौड़ा एंड नैरो मीन्स पतला. टॉल शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट दीज आर अपोजिट्स, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, अपोजिट्स हैं. टॉल, टॉल का अपोजिट क्या होता है, शॉर्ट है ना. लॉन्ग, लॉन्ग का अपोजिट भी शॉर्ट है. वाइड, वाइड का अपोजिट है नैरो. वाइड माने चौड़ा, तो नैरो माने पतला. ठीक है ना, तो वाइड नैरो, वाइडर एंड नैरोअर पढ़ा हमने प्रीवियस क्लास में. इन द प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट वाइडर एंड नैरोअर. वाइडर एंड नैरोअर वी यूज व्हेन वी कंपेयर द विड्थ ऑफ टू थिंग्स. विड्थ का मतलब है चौड़ाई. तो वाइडर और नैरोअर हम कब यूज करते हैं, जब हम दो चीज़ों की चौड़ाई को मेजर करते हैं, चौड़ाई को कंपेयर करते हैं. और मैंने बताया है कि ई आर, जब हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स में वी एड ई आर व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स. ठीक है ना, जैसे हमने टॉलर शॉर्टर पढ़ा, लॉन्गर शॉर्टर पढ़ा, बिगर स्मॉलर पढ़ा, वाइडर नैरोअर. सो वी एड ई आर विद द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स. जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं देन वी एड ई आर. ठीक है, तो वाइडर एंड नैरोअर हमने पढ़ा प्रीवियस क्लास में कंपैरिजन के लिए. नाउ टुडे वी विल बी डूइंग वाइडेस्ट एंड नैरोएस्ट. ठीक है, वाइडेस्ट एंड नैरोएस्ट मतलब व्हेन देयर आर मोर देन टू थिंग्स. जो दो से कंपैरिजन तो हम दो चीज़ों का ही कर सकते हैं ना. व्हेन देयर आर टू वी कैन मेक अ कंपैरिजन, बट व्हेन देयर आर मोर देन टू, ठीक है, तब हम क्या बताएंगे, तब हम बताते हैं कि क्या चीज़ वाइडेस्ट है या क्या नैरोएस्ट है. ओके, सो this lesson helps us to learn the concept of arranging things according to their width. ठीक है, this lesson helps to learn the concept of arranging objects according to their width, चौड़ाई के अकॉर्डिंग. जैसे हमने tallest shortest पढ़ा तो उसमें हम चीज़ों को we arrange the things according to their height. longest shortest पढ़ा तो we arrange the things according to their length, either in ascending order या descending order. हम shortest to tallest arrange कर सकते हैं, tallest to shortest arrange कर सकते हैं. so here widest and narrowest we arrange things according to their width, either from widest to narrowest or narrowest to widest. हम सबसे चौड़े से सबसे पतली चीज़ों को arrange कर सकते हैं, या हम सबसे पतली से लेकर के सबसे चौड़ी तक चीज़ों को arrange कर सकते हैं. okay, so widest and narrowest वी यूज व्हेन देर आर मोर देन टू थिंग्स. दो चीज़ों के लिए हम वाइडर एंड नैरोअर यूज करते हैं कंपेरिजन, एंड व्हेन देर आर मोर देन टू देन वी यूज वाइडेस्ट एंड नैरोएस्ट.
सो चिल्ड्रन टर्न टू पेज नंबर 123 इन योर मैथ्स बुक. पेज नंबर इज 123. ओके, वाइडेस्ट नैरोएस्ट. हियर यू विल सी दैट देयर आर मोर देन टू थिंग्स. यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे दो से ज्यादा चीजें हैं, है ना. मोर देन टू थिंग्स आर देयर. तो हाउ डू वी अरेंज देम अकॉर्डिंग टू देयर विड्थ. नाउ अगेन हियर यू विल सी दैट जो भी जितनी भी चीजें हैं ग्रुप में दे ऑल आर सेम. ठीक है, एक ही तरह की है. अगेन वी कैन अरेंज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो. ऐसा जरूरी नहीं है कि जब हम अगर चीजों को अकॉर्डिंग टू देयर विड्थ अरेंज कर रहे हैं तो सारी ऑब्जेक्ट्स जो है वो सेम होनी चाहिए. इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी. ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. हम चीज़ों को अलग अलग चीज़ों को भी अकॉर्डिंग टू देयर विड्थ वी कैन अरेंज देम. ठीक है, अलग अलग चीज़ों को भी हम उनके विड्थ के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं. ओके, सो सी हियर यू कैन सी फोर बोर्ड्स. ठीक है, अभी मैं सिंपल जैसे बोर्ड बनाते हैं, ये तो अलग तरह से बनी हुई है, मैं बनाती हूँ सिंपल बोर्ड. ठीक है, जैसे ऐसे जो हम बोर्ड बनाते हैं ना, ये जो बोर्ड बनाते हैं, वन दिस इज द सेकेंड वन, दिस इज द थर्ड वन. जैसे बुक में बनी है मैं उसी के अकॉर्डिंग बना रही हूँ. ठीक है, थोड़ा सा इसको और मैं ब्रॉड कर दूं. ओके, नाउ हियर जस्ट बाय ऑब्जर्विंग. अगेन यहां पे मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, बस ऑब्जर्व करके आप बता सकते हो कि विच इज द वाइडेस्ट एंड विच इज द नैरोएस्ट. तो इसको हम विड्थ मान रहे हैं. ठीक है, ये चौड़ाई है. तो यहाँ पे आप जस्ट देख के बता सकते हो कि आउट ऑफ दीज फोर बोर्ड्स, ये जो फोर बोर्ड्स बनाई है उसमें दिस वन इज द वाइडेस्ट. ठीक है ना, डब्ल्यू आई डी ई एस टी, वाइडेस्ट. ठीक है, दिस इज द वाइडेस्ट एंड सेकेंड वन दिस इज द नैरोएस्ट. ये आप देख करके बता सकते हो, एन ए आर आर ओ डब्ल्यू ई एस टी, दिस इज द नैरोएस्ट. ठीक है, वाइडेस्ट एंड नैरोएस्ट. ओके, तो अगेन जैसे हमने लेंथ में किया, जैसे हमने विड्थ में किया, सॉरी टॉल हाइट में किया, कि वी डोंट हैव टू मेजर देम, जस्ट बाय ऑब्जर्विंग वी कैन से विच इज द टॉलेस्ट और विच इज द लॉन्गेस्ट. तो हियर अगेन जस्ट बाय सीइंग वी कैन से दैट विच इज द वाइडेस्ट एंड विच इज द नैरोएस्ट. ओके, नाउ लेटेस्ट चिल्ड्रन लेटेस्ट स्टार्ट द एक्सरसाइज. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. यू डोंट हैव टू मेजर एनीथिंग, कुछ मेजर करने की जरूरत नहीं है. आप जस्ट देख करके बता सकते हो कि विच इज वाइडेस्ट, सबसे चौड़ा क्या है, और विच इज नैरोएस्ट. ओके, नाउ द एक्सरसाइज इज क्रॉस द वाइडेस्ट ऑब्जेक्ट एंड पिक द नैरोएस्ट ऑब्जेक्ट. जैसे हमने पहले एक्सरसाइजेस किया, क्रॉस द वाइडेस्ट ऑब्जेक्ट, सी आर ओ डबल एस, क्रॉस द डब्ल्यू आई डी ई एस टी, वाइडेस्ट ऑब्जेक्ट एंड टेक द एंड टेक द एन ए आर आर ओ डब्ल्यू ई एस टी, नैरोएस्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, नाउ फर्स्ट इज यू कैन सी फोर रिबन्स. ठीक है, देर आर रिबन्स ऑफ फोर कलर. अभी मैं बोर्ड पे फोर कलर्स के रिबन तो नहीं बना पाऊंगी, तो मैं अकॉर्डिंग टू देयर विड्थ, जितनी इनकी विड्थ है उसके अकॉर्डिंग बना रही हूँ. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रिबन, देन दिस इज द सेकेंड रिबन, देन दिस इज द थर्ड रिबन एंड दिस इज द फोर्थ रिबन. ठीक है, नाउ इन द बुक द रिबन्स आर ऑफ डिफरेंट कलर. फर्स्ट रिबन इज ग्रीन इन कलर, सेकेंड इज रेड इन कलर, थर्ड इज
यू कैन से पर्पल इन कलर एंड फोर्थ इज मे बी पिंक और ऑरेंज इन कलर. ओके, पहला रिबन ग्रीन कलर का है, फिर रेड है, फिर पर्पल है, फिर ऑरेंज में भी. ओके, जस्ट बाई ऑब्जर्विंग देख करके हम बता सकते हैं कि दिस रेड रिबन इज द वाइडेस्ट. देख के हमें समझ में आ रहा है कि जो रेड वाला रिबन है ये सबसे चौड़ा है. तो वाइडेस्ट ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, वी हैव टू पुट अ क्रॉस. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे. एंड नैरोएस्ट ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, टिक करना है. तो देख करके वी कैन मेक आउट दैट दिस लास्ट रिबन जो ऑरेंज टाइप के कलर का है, दिस इज द नैरोएस्ट. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी विल पुट अ टिक. ओके, सो दिस इज द वाइडेस्ट रिबन एंड दिस इज द नैरोएस्ट रिबन. ओके, देन यू कैन सी देयर आर फोर एनवेलप्स. एनवेलप जिसको बोलते हैं हिंदी में लिफाफा कहते हैं. जब हमें किसी को लेटर भेजना होता है तो हम एनवेलप में डाल करके उस पर स्टैम्प लगा के एड्रेस लिख के पोस्ट करते हैं. या कई बार शादी में देखो, अगर मम्मी पापा किसी को कैश गिफ्ट करना होता है तो हम एनवेलप में डाल करके देते हैं, लेटर देना होता है. सो दीज आर फोर एनवेलप्स. एनवेलप्स को भी मैं ऐसे ही बना रही हूँ, लेंथ वाइज जैसे बने हुए हैं. दिस इज द फर्स्ट वन. ठीक है, ये फर्स्ट एनवेलप है. देन दिस इज द सेकेंड वन. ये सेकेंड वाला एनवेलप है. ये वाला है थर्ड है. दिस इज द थर्ड वन. ये थर्ड एनवेलप है. एंड दिस इज द फोर्थ वन. ये है फोर्थ. ओके, अगेन नाउ हियर ऑल्सो आप देख करके समझ सकते हो, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ. ठीक है, अगेन जस्ट बाय लुकिंग एट दीज फोर एनवेलप्स वी कैन मेक आउट दैट द फर्स्ट वन, जो फर्स्ट वाला एनवेलप है ये क्या है, दिस इज द नैरोएस्ट, सबसे पतला है. ठीक है, इसके लिए हमें और कुछ नहीं करना है, इसको बस हमें देख करके ही समझ में आ रहा है. तो नैरोएस्ट है ये, तो नैरोएस्ट पे क्या करना है, हमें टिक करना है. तो वी विल पुट अ टिक हियर. एंड देख के समझ में आ रहा है कि वन टू थ्री जो थर्ड वन है, थर्ड एनवेलप इज द वाइडेस्ट, सबसे चौड़ा वाला है. तो इस पे हम क्या करेंगे, इस पे हमें क्रॉस करेंगे. सबसे चौड़े एनवेलप पे हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे. ओके, सो आई होप यू हैव पुट टिक एंड क्रॉस. इसमें कुछ भी नहीं लिखना है, एक वर्ड भी नहीं लिखना है. यू जस्ट हैव टू पुट अ टिक एंड क्रॉस. अभी आई होप एवरीवन हैज रिटन. नाउ थर्ड वन, इसको बिफोर आई इरेज थर्ड वन भी कर लेती हूँ. अभी शर्ट पे तो मैं शर्ट नहीं बोर्ड पे बना पाऊंगी, तो वी विल जस्ट डिस्कस दिस. इसको आप अपने आप कर सकते हो. फर्स्ट इज ब्लू शर्ट, देन ऑरेंज शर्ट, देन ग्रीन एंड पर्पल. ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ. अभी देख करके ही हमें समझ में आ रहा है कि जो सेकेंड वाली शर्ट है, दिस ऑरेंज वन, दिस इज द नैरोएस्ट. ये सबसे पतली शर्ट है, मतलब ये किसी छोटे बच्चे की शर्ट है. छोटे बच्चे की शर्ट ही इतनी नैरो होगी. सो दिस इज द नैरोएस्ट शर्ट. इसमें आप क्या करोगे, यू विल पुट अ टिक बिकॉज वी हैव टू टिक द नैरोएस्ट ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे आप एक टिक लगाओगे. और वाइडेस्ट कौन सी है, दिस लास्ट वन. दिस पर्पल शर्ट इज द वाइडेस्ट. ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, इस पर आप एक क्रॉस लगाओगे बिकॉज वी हैव टू क्रॉस द वाइडेस्ट ऑब्जेक्ट. ऑरेंज शर्ट पे टिक लगाना है एंड पर्पल शर्ट पे क्रॉस लगाना है. ओके, नाउ हियर चिल्ड्रन ऑल द थिंग्स. हर एक ग्रुप में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी सेम हैं. ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर सेम, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम वाइडेस्ट या नैरोएस्ट सिर्फ सेम तरह की चीज़ों में ही पता कर सकते हैं. वी कैन फाइंड आउट वाइडेस्ट एंड नैरोएस्ट अमंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो. अलग अलग चीज़ों से भी हम वाइडेस्ट या नैरोएस्ट पता कर सकते हैं. ठीक है, नाउ लेट मी टेक फोर थिंग्स. चलो मैं लेती हूँ वन टू. ओके, आई हैव टेकन, इफ़ यू कैन सी, वन इज माई मोबाइल फोन. ठीक है, ये एक स्केल है. देन पेंसिल एंड दिस मार्कर. ओके, जो मार्कर मैं बोर्ड पे लिखने के लिए यूज़ करती हूँ. आई हैव टेकन फोर ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, दीज आर द फोर ऑब्जेक्ट्स. और भी ऑब्जेक्ट्स हो सकती हैं, इससे ज़्यादा पकड़ नहीं पाऊंगी मैं. तो आई हैव टेकन दीज फोर ऑब्जेक्ट्स. ओके, नाउ आउट ऑफ दीज फोर ऑब्जेक्ट्स यू कैन वेरी इजीली से, देख करके आप बहुत आराम से बता सकते हो कि विच इज़ द वाइडेस्ट एंड विच इज़ द नैरोएस्ट. है ना, देख के हमें समझ में आ रहा है कि ये जो पेन है,
दिस इज द नैरोएस्ट, सबसे पतली है, और ये जो फोन है दिस इज द वाइडेस्ट। ठीक है, ऑल्दो इसका शेप क्यूबॉइड है, प्लेन साइड जो हमें दिख रहा है दैट इज प्लेन सरफेस, ये भी प्लेन है, दिस इज सिलेंड्रिकल, ये भी सिलेंड्रिकल है, बट देख करके हमें समझ में आ रहा है कि दिस पेन इज द नैरोएस्ट एंड दिस फोन इज द वाइडेस्ट। ओके, सो वाइडेस्ट एंड नैरोएस्ट दैट इज सबसे चौड़ा क्या है, सबसे पतला क्या है। तो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उस ग्रुप में सेम तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं और अलग अलग तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं, है ना। ज़रूरी तो है नहीं कि सारी सेम तरह की चीज़ों में हम बताएं कि क्या चौड़ा है। मैंने फोर ऑब्जेक्ट्स लिया है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो सेम भी हो सकती हैं, हो सकता है सब अलग अलग तरह की पेंस हों, या सब अलग अलग तरह की चीज़ें हों, या एक तरह की चीज़ें हों, ठीक है ना। तो वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो इस लेसन का कॉन्सेप्ट है कि आपको वाइडेस्ट एंड नैरोएस्ट का कॉन्सेप्ट समझाना, मतलब टू अरेंज थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर वेट। अभी अगर हमें ये नैरोएस्ट टू वाइडेस्ट हमें अगर इसको अरेंज करना है तो कैसे करेंगे, वन टू देन दिस स्केल एंड देन फोन, है ना, स्केल और फिर फोन, नैरोएस्ट टू वाइडेस्ट। और अगर वाइडेस्ट टू नैरोएस्ट है तो अदर वे अराउंड हो जाएगा, फोन स्केल मार्कर एंड देन पेन। ओके चिल्ड्रन, सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन, एंड इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन क्लियर इट इन द ऑनलाइन क्लास। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर द डे चिल्ड्रन, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।